क्वेश्चन नंबर 7, तो 10,000 हमने इशू किए जो है एप्लीकेशन पर 2 रुपए, अलॉटमेंट पर 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पर 5 रुपए, जोड़ हो रही है 10 रुपए, यहां तक से याद कर सकते, मतलब हमने या तो ना तो सिक्योरिटी प्रीमियम ना डिस्काउंट कुछ भी नहीं, और हमने भेजे थे 10,000, आया कितने 20,500, तो इस प्रकार है 1,500 को तो हमने कुछ भी नहीं दिया, मना कर दिया, 500 कितना दिया 100%, कितना होता है आपके 5 को कितना दिया 5,000 100%, 6,000 कितना दिया हमने 50%, मतलब ये होता है आपके 3,000, और 8 को कितना दिया हमने 25%, जो कितना होता है आपके वो होता है आपके 2,000। ये तो है प्राप्त होने की जोड़ 20,500, और ये अलॉटमेंट की जोड़ है टोटल, हमने कितने जनता में इश्यू किए 10,000, वो हो गया ज्यादा मिले सभी यहां से प्राप्त हो गई समय पर, जर्नल एंट्री करनी है और बैलेंस शीट बनानी है, तो पहले ये कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले जो कॉलम ज्ञात करते हैं वो होता है आपके अमाउंट रिसीव्ड, और ये कैसे ज्ञात किया जाता है, इसको गुणा करते हैं हम एप्लीकेशन अमाउंट से जो दे रखा है आपके 2 रुपए, जो दे रखा है 2 रुपए उससे गुणा करना है, तो गुणा कितना होता है आपके 1500 × 2, और उसने कहा है ज्यादा पैसा आया है वो आपको याद का तक प्रयोग करना है। अब ये कितना होता है आपके 3,000 रुपए, पर 5 × 2 10,000 रुपए, 6 × 2 12,000 रुपए, 8 × 2 16,000 रुपए, और 20 × 2 40 × 1 41,000 रुपए। ये पहली एंट्री में काम आएगी, मतलब ऐसे अगर आप जर्नल एंट्री जहां भी करो कहते यहाँ कर रहा हूँ, आप जहां जगह मिले सही लिखना है, लगातार एंट्री करनी, 12-15 जो भी एंट्री है वो एंट्री बाहर करनी, ये बैंक अकाउंट DR2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितनी प्राप्त हुई 41,000 रुपए की प्राप्त हुई है, ये रुपए में लिखेंगे। सेकेंड एंट्री हम इससे बनाएंगे, अलग अलग 3-4 कॉलम बनाएंगे, जैसे पहला कॉलम यहाँ पर करेंगे हम एडजस्टमेंट, जो रुपए हमारे पास आए हैं ज्यादा आए हैं, क्योंकि होते थे 10 × 2 20 ही होते हैं, लेकिन आए कितने आप 41,000, 21,000 ज्यादा है, उनका एडजस्टमेंट कहाँ का करना है, एक तो एप्लीकेशन पर भेजना है, अलॉटमेंट पर भेजना है, फर्स्ट कॉल पर भेजना है, और क्या करना है आपको रिटर्न भी करना है। सबसे पहला तो है आपको एप्लीकेशन पर भेजना है, लेकिन किस हिसाब से भेजना है 2 रुपए के हिसाब से, अलॉटमेंट पर भेजेंगे वो है आपके 3 रुपए के हिसाब से, और फर्स्ट कॉल पर भेजेंगे हम वो 5 रुपए के हिसाब से, और फिर भी पैसे बच जाए तो क्या कर देंगे हम रिटर्न कर देंगे। अब जो ये वाला कॉलम है इसको गुणा करना है, जो यहाँ ये वाला कॉलम जाएगा यहां से अलग अलग 4 पार्ट में बचेगा, ये जो पैसे अलग बांटना है, अब यहां से गुणा करना है, जैसे यहां 0 है पहले, तो 0 × 2 0 0 0 गुणा करने पर 0 आएगा, यहां गुणा नहीं करते, यहां आप अंतर निकालते हैं, तो यहां इस कॉलम का जोड़ इन चारों के बराबर होता है, तो देखो ये कितना है 3, इधर भी कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए, 0 0 है तो यहां कितना आ जाएगा आपके 3,000। अगला ये शेयर जो आपके हैं एप्लीकेशन ये कितनी है 5,000 के, 5 गुणा करेंगे इससे 200, कितना होता है 5 × 2 10,000, इस 4 की जोड़ इस अकेले के बराबर, यहां भी 10 है यहां भी 10 है तो आगे कोई शेयर नहीं जाएगा, जब जितना मांगा उतना दिया है तो आपके एक भी शेयर का पैसा एडवांस नहीं आया, समझ लो एडवांस तभी आता है जब इधर आपके ज्यादा हो जाए और यहाँ कम हो, तो जैसे आप 3,000 गुणा करेंगे किससे, पहले 3 गुणा करेंगे किससे 2 से, तो कितना होता है 6 × 2 3 है, 3 × 2 6,000, अब यहाँ 12 है और यहाँ कितने हैं 6, अभी मेरे पास कितने हैं और 6,000 और है, लेकिन इसको ध्यान रखो पहले 3 गुणा करेंगे आप 3 से तो कितना होता है 3 × 3 = 9,000, लेकिन मेरे पास कितने 6,000 ही है, तो यहाँ 6,000 ही आएगा 0 0, वैसे होते हैं 9,000 तक लिख सकते हैं, तो यहाँ 12 है और यहाँ भी 12 है, ये कॉलम रिसीव का कॉलम और एडजस्टमेंट कॉलम दोनों की जोड़ बराबर होनी चाहिए। फिर यहां से 2 × 2 4,000, 2 × 3 6,000, अब ये कितने हैं 10,000, ये कितने हैं 16,000, अभी मेरे पास पैसे पड़े हैं, तो 2 × 5 10 होते हैं, लेकिन मेरे पास पैसे कितने पड़े हैं 6 ही बाकी है, तो लिखेंगे 6,000 या 0। अब ये जोड़ होती है आपके 20,000 जो आपके इसके बराबर होगी, 10 × 2 20,000 के बराबर, ड्यू को ड्यू के बराबर होगी, और ये वाली किसके बराबर होगी आपके 12,000 से अलॉटमेंट, ये है आपके एडवांस 6,000 रुपए, और रिटर्न में कितने हैं आपके 3,000। ये एंट्री तो मैंने कर दी, अब इनके लिए एंट्री करेंगे, इनके लिए एंट्री में क्या लिखेंगे, यहाँ तो आएगी कैपिटल, ये है अलॉटमेंट,
ये एडवांस और ये है आपके बैंक, वो भी क्या है आपके सीआर। इन चारों को याद रखिए। पहले तो डीआर के, सीआर के एप्लीकेशन है, वहां पर डीआर कर दो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू। मैं तो यहाँ कर रहा हूँ, आपके पास जगह हो वहां कर लें आराम से, वहां जगह रखने के लिए मैंने ऐसे किया। इक्विटी शेयर क्या कर देंगे हम, पहले तो आपको कैपिटल, फिर दूसरा क्या है आपने पैसे कहाँ लगाए अलॉटमेंट पर, फिर आपने पैसे कहाँ लगाए एडवांस, ये हो जाएगा कॉल इन एडवांस, और फिर हमने पैसे क्या कर दिए रिटर्न कर दिए टू बैंक। हमारे पास रुपए कितने थे 41,000, मैंने कहाँ कहाँ प्रयोग किए, 20,000 कैपिटल में यूज किए, 12,000 अलॉटमेंट में यूज किए, 6,000 कॉल इन एडवांस, और 3,000 हो गया आपके रिटर्न। अब आएगा आपके अलॉटमेंट, वैसे कोई भी सारा पैसा आपको सारा पैसा मिल गया, कोई भी ड्यू नहीं, तो सीधा क्या करेंगे हम अलॉटमेंट, अलॉटमेंट यही कर दो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर कहीं कर लो, आपको वो एंट्री वहां पर बराबर करनी, लगातार करनी। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना होता है, 10,000 × 3, अब 20,500 बोलियो, 10,000 × 3 कितना होते हैं आपके 30,000, ये 30,000, ये भी कितना हो गया आपके 30,000। अब पैसा आने की एंट्री, तो बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट जितने से डीआर उतने सीआर हो, बताओ डीआर कितने से 30 से, तो सीआर कितने करो 30 से, जबकि 12,000 हो चुका है आपको सीआर, अब कितना बाकी सीआर होना है 18 बाकी है, 30 डीआर है तो 30 भी सीआर होना चाहिए क्योंकि सारा पैसा मिला है, तो यहाँ 30 डीआर है तो सीआर देखो 12 तो हो गया, 18 और कर लो तो यहाँ आ जाएगा 18,000, यहाँ भी आ जाएगा 18,000, यहाँ से कह सकते हो 30,000 आने थे, 12,000 एडवांस आ चुके हैं, अब और कितने आ सकते हैं 18 आ सकते हैं, तो 30 में से 12 गए और कितने आएंगे 18,000 आएंगे, ये अलॉटमेंट हो गई। अब करनी है फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होगी, पहले न्यू एंट्री करो, इक्विटी शेयर क्या नाम है, फर्स्ट कॉल है तो आएगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, 10,000 शेयर है, 5 रुपए का कितना होता है आपके 50,000, तो यहां लिखेंगे हम 50,000, यहां भी कर देंगे हम 50,000। अब सेकंड कॉल, सेकंड कॉल क्या है, पैसा आने की, बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर क्या लिख देंगे हम यहां पर, किसके पैसे आएंगे फर्स्ट कॉल के, फर्स्ट कॉल के आने कितने थे 50,000 आने थे, 50 में से देखो 6,000 आपके एडवांस आ गए, एडवांस लिखा नहीं है इसलिए मैंने फर्स्ट कॉल लिखा नाम, या अलॉटमेंट का नाम लिखा है इसलिए मैंने यहाँ कम कर दी, या फर्स्ट कॉल का नाम मैंने प्रयोग में नहीं लिया, प्रयोग में नहीं लिया है इसलिए आपके यहाँ 50 पूरा आएगा। अब जो एडवांस आ चुके हैं, जो खाता नया खुला हुआ है एडवांस का, वहां बंद कर देंगे, या सीआर है एडवांस, या वापस क्या करेंगे हम डीआर कर देंगे, ये हो जाएगा कॉल इन एडवांस अकाउंट डीआर। अब 50 में से आपके कितने आ चुके हैं, 6,000 पहले आ चुके हैं, तो अब कितने आने वाले बाकी है, 44,000 और आएंगे। अब इसने कहा है कि बनाओ बैलेंस शीट, तो बनाओ बैलेंस शीट, सिंपल ही बनानी है, सिंपल बनाओ, सिंपल बनानी है आपको। सबसे पहले आएगी आपके ऑथराइज कैपिटल, जो दी हुई नहीं है रहने दो, फिर क्या कर सकते हो आप इश्यू कैपिटल, इश्यू कैपिटल कितने दो 10,000, तो लिखेंगे 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 10 रुपीज, कितना होता है आपके 1,00,000, इसकी जोड़ नहीं होगी क्योंकि इश्यू कैपिटल है। अब दूसरा है सब्सक्राइब कैपिटल, कितना है सब्सक्राइब कैपिटल 20,500 इक्विटी शेयर एट द रेट 10 रुपीज, कितना होता है 2,05,000, इसकी भी जोड़ नहीं होगी। अब तीसरी जोड़ है आपके कॉल्ड अप कैपिटल, इसकी जोड़ होगी, मतलब हम कितना दे सकते हैं कॉल्ड अप पेड अप कहते हैं जो भी, ये पार्ट ये कितनी होगी, तो देखो ये कितना हो जाएगा आपके, हम कितना दे सकते हैं 10,000 ही दे सकते, ज्यादा नहीं दे सकते, 10,000 इक्विटी शेयर एट दी रेट रुपीज 10 के हिसाब से कितना होता है आपके 1,00,000। अब यहाँ इसकी जोड़ करेंगे तो 1,00,000 होती है, यहाँ बैंक में कितना, बैंक में तो कितना आता है 41,000, 3 गया पीछे, कितना बचा आपके 3 गया पीछे, बचा आपके 38,000, 38 और आपके 18,000 है, 38 कितना होते हैं आपके 38 और 18
छप्पन, छप्पन तुम्हारे कितने हो गए आपके 1,00,000, बस ये हो गई बैलेंस शीट कंप्लीट। बाकी हमारे ऑटोमेटिक कट जाएंगे, कैपिटल डीआर सीआर ऑटोमेटिक कट जाएंगे।